बनाने जा रहे हैं उपमा, जिसमें यूज करने के लिए ये स्पेशल रवा है और ये राई है और इतना क्रश किया हुआ सिंगदाना है और उसमें यूज करने के लिए इतना ये बारीक कटा हुआ कांधा है, एक लाल सूखी मिर्ची है और इतनी ये हरी मिर्ची कटी हुई है। अब ये टोप मैंने ऊपर चढ़ा दिए, टोप गर्म हो गया। इसमें कम से कम 1.5 चम्मच तेल यूज करना है। अब ये तेल गर्म हो गया, इसमें हम थोड़ी सी राई यूज करेंगे फोरन के लिए। थोड़ा सा हल्का जीरा भी ऐड करेंगे। उसके बाद में ये तो मसाला है इतना भून के हो गया। अब ये कांदा ऐड करेंगे। इसे थोड़ा हम भूनेंगे 1 मिनट तक का थोड़ा। इसके बाद में थोड़ी हल्दी है ये ऐड करेंगे। इतना ये नमक है ये ऐड करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च जीरा पीसा हुआ ये भी ऐड करेंगे। हल्की भुखी मिर्ची ऐड करेंगे। कांदा भून के हो गया, अब हम इसे साइड करके थोड़ा ये सिंगदाना है इसे ऐड करके थोड़ा इसे भी भूनेंगे। इसका हरियाम होता है वो चले जाएगा भूनने के बाद। जो सिंगदाना है इसका कच्चापन चले जाएगा भूनने के बाद, इसके लिए थोड़ा भूनेंगे उसको। ऐड करेंगे और कम से कम 150 ग्राम रवे का उपमा बनाना है तो इसमें 150 ग्राम अंदाज से रवा डालेंगे और इसे थोड़ा अच्छे से भूनेंगे इसको। और इधर मैंने पानी गर्म होने को रखी हूँ, इसमें ऐड करना है। पानी रवे से डबल लेंगे थोड़ा अच्छा पके, मतलब उपमा अच्छा बने। और इसे हम प्याज के साथ थोड़ा भूनेंगे 1 मिनट तक। 1 मिनट तक भूनेंगे इसे। देखिए अच्छा भून के हो गया। अब इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे ताकि उपमा अच्छा बने।
हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, तब तक मैं थोड़ी सी दूसरे काम कर लेती। अब ये देखिए ये उपमा अच्छे से बन गया, तैयार हो गया 2 मिनट में। अब इसे हम सजाएंगे। नीचे अब इसे हम सजाएंगे। कलर भी माशाल्लाह अच्छा आया है, खुशबू भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।